ये है नए ज़माने की नई बुलेट, और आज की वीडियो में मैं आपको इस बाइक के डिटेल में प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ, डिटेल में इस बाइक में जो जो एक्सेसरीज लगी है उसके बारे में बताने वाला हूँ, साथ में अगर आप इस बाइक को फाइनेंस पे लेना चाहते हो तो फाइनेंस के क्या ऑफ़र हैं, बैंक आपको क्या ऑफ़र प्रोवाइड करती है, इस बाइक के साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस बाइक की एक्सेसरीज़ के बारे में बात करूँगा। फ्रंट में कुछ इस तरीके की आपको विंडस्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसकी जो कॉस्ट रहेगी लगभग 3950 रुपीज़ रहती है। लेग गार्ड है 4500 रुपीज़ का आपको मिलने वाला है। अगर सेम इसको ब्लैक कलर में लेते हो 3950 रुपीज़ में मिल जाता है। नीचे इसमें सम गार्ड जो लगा हुआ है, सम गार्ड की जो कॉस्ट है अगर आप ब्लैक कलर का लेते हो तो वो आपको 3300 का पड़ता है। बट फिलहाल इंजन से मैच करता हुआ इसमें जो सम गार्ड है वो आपको 3100 रुपये का मिलने वाला है शोरूम से। और अब हम बात करते हैं इस बाइक के डिटेल में प्राइस के बारे में और इस बाइक के साथ आपको क्या मिल जाता है। ये है न्यू स्टैंडर्ड 350 का अपडेटेड प्राइस, जिसमें आपको ऑन रोड ये 224782 रुपये की मिल जाती है। जीरो टाइप इंश्योरेंस इसमें आपको 1209 रुपये का आपको एक साल के लिए मिल जाता है। लेग गार्ड इसमें जैसा कि मैंने आपको दिखाया इसमें 4500 वाला लगा हुआ है, तो इसमें 4500 रुपीज़ मैंने ऐड कर दिए हैं। सम गार्ड 3100 वाला लगा हुआ था और विंड स्क्रीन इसमें 3950 रुपीज़ की लगी हुई थी। टोटल ये जो बाइक आपको मिलने वाली है कैश में विद एक्सेसरीज 237540 रुपये की मिल जाती है। और इस बाइक के साथ आपको क्या क्या मिल जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक इसमें आपको हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है विद वाइज़र, वाइज़र के भी यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होते हैं। साथ में 3 साल की आपको इसमें वारंटी मिल जाएगी प्लस 30,000 किलोमीटर। अगर आप वारंटी एक्सटेंड कराना चाहते हो तो रॉयल एनफील्ड इसमें आपको ऑप्शनल में एक्सटेंड वारंटी के ऑप्शन भी देती है, 4 साल 5 साल वो भी आप इसमें ऐड करा सकते हो। नंबर प्लेट एट द टाइम ऑफ आपको डिलीवरी पे मिलने वाली है। 4 सर्विस इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, जिसमें आपका लेबर एंड वॉशिंग चार्ज फ्री रहने वाला है। RC इसमें 15 से 45 दिन में आपको शोरूम से ही मिल जाएगी, और साथ में इसमें आपको बाइक कवर भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। अगर आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है 25,000 प्लस, तो आपका जो इसमें लोन होने वाला है 95% तक लोन हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हो और ITR जो पे करते हो 3.5 लाख प्लस की, तब भी आपका 95% लोन हो जाता है, जिसमें डाउन पेमेंट जो आएगी 237540 में से 95% जो लोन था 225,000 को माइनस करेंगे, डाउन पेमेंट 11,877 रुपये आ जाएगी। HP का इसमें 500 रुपीज़ चार्ज ऐड हो जाता है। स्टैम्प ड्यूटी के 918 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं, और इसमें जो प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है लोन अमाउंट की 1% लगती है, जो कि 2,256 रुपये है। टोटल जो डाउन पेमेंट आने वाली है 15,551 रुपये की टोटल डाउन पेमेंट आ जाएगी, जिसमें आपकी जो EMI बनेगी ना, इसमें 1.5 साल से EMI स्टार्ट हो जाती है। बट 1.5 साल की जो EMI स्टार्ट होगी, अगर आपकी सैलरी 30+ है तभी आप 1.5 साल की इसमें EMI बनवा सकते हो, जिसमें EMI 14,237 रुपये की 18 मंथ की EMI आ जाएगी, और 11,103 रुपये की आपकी 24 मंथ की EMI आ जाएगी, जो कि 2 साल के लिए वैलिड है, और 7,990 रुपये की आपकी 36 मंथ की EMI आ जाएगी, जो कि 3 साल के लिए वैलिड है, और 6,453 रुपये की आपकी 48 मंथ की EMI आ जाएगी, जो कि 4 साल के लिए वैलिड है। और इसमें आप मैक्सिमम 4 साल तक के लिए लोन करा सकते हो। अगर आपका सिविल काफ़ी अच्छा है और बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से, तो इसमें कुछ कुछ कस्टमर्स के लिए 5 साल के लिए भी लोन हो जाता है। अभी जो मैंने स्कीम दी थी वो इनकम प्रूफ के साथ दी थी। आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं आती, नॉन इनकम प्रूफ के लिए भी मेरे पास स्कीम है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, नॉन इनकम प्रूफ कस्टमर्स के लिए ऑन रोड वही 237540 विद एक्सेसरीज रहेगा, जिसमें आपका 80% तक लोन हो जाएगा, जो कि 80% 1,90,000 रुपये होता है, जिसमें डाउन पेमेंट आ जाएगी 237,000 में से माइनस करेंगे 1,90,000 को, तो 37,508 रुपये की आपकी जो डाउन पेमेंट आ जाएगी, और बैंक के जो चार्ज रहेगा 918 रुपये, इसमें आपको 2% प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो कि 3,800 रुपीज़ होती है लोन अमाउंट की। HP के इसमें 500 रुपीज़ चार्ज ऐड रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट चार्ज रहते हैं। टोटल डाउन पेमेंट जो आने वाली है 52,726 रुपये आ जाएगी, जिसमें आपको जो EMI मिलने वाली है 11,987 रुपये की आपको 18 मंथ की EMI मिल जाएगी, 9,348 रुपये की आपको 24 मंथ की EMI मिल जाएगी, 6,726 रुपये की आपकी 36 मंथ की EMI होती है, और मैक्सिमम इसमें भी 4 साल के लिए लोन होता है, तो इसमें आपको 5,433 रुपये की EMI मिल जाएगी 4 साल के लिए। इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 चेक, 1 फ़ोटो,
ये नॉन इनकम प्रूफ के लिए है। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आती है तो आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी, जिसमें आपका 95% तक लोन हो जाएगा। ये थी इसकी फाइनेंस की डिटेल। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ गई होगी। ये जो बाइक है अभी फिलहाल दिल्ली में सोनी ऑटोमोबाइल के नाम से शोरूम है, अवंतिका मार्केट रोहिणी के पास। इस बाइक को ले सकते हो। जो स्कीम मैंने आपको बताई है सेम आपको मिलने वाली है, साथ में इसके जो बाइक कवर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।